दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो अब यहाँ पे करंट आ चुका है स्टॉक के अंदर। पिछले एक साल से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, लेकिन अब दो तीन ट्रेडिंग सेशन से देखें तो तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। और इसके पीछे वजह है कि बाज़ार इस समय ऑल टाइम हाई पे चला गया है और आईटी सेक्टर है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म है, और ऐसे में अब FII की नज़र आईटी सेक्टर पे, और इसीलिए अब इन्फोसिस दौड़ेगा और बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। अब जैसे कि रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और क्या निवेश इसमें इस समय किया जा सकता है, क्या आईटी सेक्टर आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया है। स्पेशली इन्फोसिस भी बहुत ज़्यादा निगेटिव रहा है, 1900 से हाई बना के इस समय 1400 के आसपास, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है, क्या इस लेवल से प्राइस हमारी डबल हो सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इन्फोसिस के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत 1380 पर हुई, और शुरुआत पॉजिटिव के साथ हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 1365 के आसपास थी। यही इंट्राडे का लो है, लेकिन जो हाई बना वो 1430 का है, यानी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा और अंत में क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही 1426 पर, 4.46% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई। और जो बाज़ार में तेज़ी बनी इसके पीछे भी आईटी सेक्टर ही जिम्मेदार है, उसकी वजह से ही माहौल पॉजिटिव बना। अब यहाँ पे कोरोना काल में स्टॉक देखें तो 585 के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को, उस हिसाब से देखें तो रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है, यानी आपने निवेश किया होगा अगर उस समय तो आपको इस समय बेहतर रिटर्न तो मिल ही रहा है। लेकिन जिसने ऊपर के लेवल से यहाँ पे एंट्री मारी है उनको बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को ये लगभग 1900 से ऊपर स्टॉक था, इस समय 1400 के आसपास है, तो काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। और पिछले एक महीने में स्टॉक में फिर से तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, करीब 10% की हमने तेज़ी देखी है, 1291 के आसपास स्टॉक था एक महीने पहले। अगर हम बात करें इसके 5 डेज के रिटर्न के भी तो 7.5% का ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे FII की हिस्सेदारी है, FII ने अब IT सेक्टर में निवेश करना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा उनका निवेश हुआ है। देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 12,486 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 9,849 करोड़ की उन्होंने अपना जो माल था उसको बेचा, होल्डिंग बेची है, तो जो उनकी खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,636 करोड़ रुपीज़ का है, और गुरुवार को भी उन्होंने 2,237 रुपीज़ की नई खरीदारी की थी। इस महीने में उनकी टोटल खरीदारी 14,580 रुपीज़ की पॉजिटिव है, और आप समझ सकते जिस से FII अब IT में निवेश शुरू कर चुके IT सेक्टर डेफिनेटली अब दौड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम DI की बात करें वो थोड़े से बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग के मोड में, उन्होंने 7,330 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था 14 जुलाई को, सामने 8,106 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, इस तरह से तो DI ने 772 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, इस तरह से उनका इस महीने में बिकवाली का जो आंकड़ा निकल के वो 8,129 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो फिलहाल DI बाजार में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन FII जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं, और इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, तो 20 जुलाई को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और आप देख सकते हो कि इसके लिए कंपनी ने एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है, तो 20 जुलाई को कंपनी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 4:30 बजे के शाम के टाइम में, और शाम को 6 बजे अर्निंग कॉल होगा, तो आप समझ सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, और लगभग तो आप देखें तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, और ये देख सकते हो कि अब ट्रेडिंग विंडो जो 22 जुलाई को खुलेगी, इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो कंपनी से संबंधित चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉयज़, कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, वो अब नॉर्मल ट्रेडिंग अपनी 22 जुलाई से ही कर पाएंगे, क्योंकि SEBI का लॉ है उसके तहत उसको ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम इसके परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल की तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। मार्च 2022 में 32,276 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, मार्च 2023 में ये 37,441 रुपीज़ के आसपास रहा, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 38,318 रुपीज़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ था क्वार्टर फोर में, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि थी। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 5,685 रुपीज़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2023 में बढ़ के 6,128 रुपीज़ तक पहुँच गया, लेकिन दिसंबर में 6,586 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो अगेन यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ा है,
तो क्वार्टर थ्री काफ़ी बेहतर था, इस बार आशा करें कि क्वार्टर फोर से बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। वैसे 3-4 साल की परफॉर्मेंस देखें तो लगातार आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2020 में जहाँ पे 0.94 लाख रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और 0.17 लाख रुपीज़ की इनकी प्रॉफिट थी, 2021 में बढ़ के 1.09 लाख रुपीज़ का इनका रेवेन्यू हो गया और प्रॉफिट 0.19 लाख रुपीज़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा, रेवेन्यू करीब 1.24 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.22 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़कर सीधा 1.49 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.24 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया। तो पिछले 4 साल से लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फोसिस को लेकर टारगेट दिए गए थे एक दिन पहले, जिसमें आप देख सकते हो कि कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से अमोल अठावले ने इसका यहाँ पे सेल का अपना बाय का कॉल दिया था। आप देख सकते हो कि करंट लेवल से उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी, उनका 1400 से लेकर 1450 का टारगेट था और सपोर्ट इसका 1260 के आसपास बताया था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो तो जो टारगेट है एक ही दिन में हिट लगभग हो गया है और 1400 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आप ये देख ही सकते हो कि बाज़ार बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और स्पेशली IT शेयर एक तरह से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के रथ पर सवार हो चुके हैं। तो ये जो IT सेक्टर में तेजी आई, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो IT सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिले सारे शेयर, दूसरी तरफ बाज़ार ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो सारे के सारे इंडेक्स तो काफ़ी ऊपर है लेकिन IT इंडेक्स काफ़ी नीचे है। ऐसे में अब जो FI की नज़र IT सेक्टर पे है, स्पेशली उसमें अगर आप देखें तो TCS, इन्फोसिस और विप्रो उनकी रडार पे, जिसमें वो काफ़ी अच्छा निवेश करते हैं और इसी वजह से स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुके हैं और नतीजे भी कुछ उत्साहवर्धक है। विप्रो ने रिजल्ट अपना दिया 2 दिन पहले, तो आप देखें तो काफ़ी बेहतर था, उस हिसाब से आशा करें कि इन्फोसिस का रिजल्ट भी बेहतर होगा। तो ऐसे में आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए इसका मार्केट कैप 5,91,797 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 1,426 की है, लो इसका 1,185 का और हाई 1,673 का, स्टॉक का पी 24.70 है, बुक वैल्यू इसकी 182 की है और 2.38% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। ROC इसका 40.70% है और ROE 31.80% है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। तो ये आप देख ही सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी मार्च में, दिसंबर में 15.11% के आसपास थी जो 15.14% हुई है दिसंबर मार्च क्वार्टर में। FI की होल्डिंग मामूली सी घटी थी, 36.29% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर में और 35.09% हुई थी मार्च में। फिलहाल इस बार अब आपको होल्डिंग फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि FI खरीदारी शुरू कर चुके हैं। DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, 32.50% के आसपास थी दिसंबर में जो 33.59% के आसपास आएगी मार्च क्वार्टर में। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.19% के आसपास है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 15.53% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में जो 15.67% हुई। अदर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी, 0.34% थी दिसंबर में जो 0.33% हुई। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि FI और DI ने इन्फोसिस में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है लेकिन जनरल पब्लिक का रुझान इतना पॉजिटिव नहीं है इन्फोसिस को लेकर, और इसके पीछे वजह कि इतना खास रिटर्न भी नहीं मिला लोगों को, चाहिए बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, और ऐसे में वो IT शेयरों में निवेश नहीं करते, स्पेशली बड़े IT इंडेक्स में और जो मार्केट लीडर कहे जाते हैं इन्फोसिस जैसे शेयर। लेकिन वाकई में ये स्टॉक अब मल्टीबैगर बनने को तैयार है, अच्छा रिटर्न देने को तैयार है क्योंकि अब ये बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी निकल कर आ चुके हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। 30 जून के ICICI प्रूफ टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ने यहाँ पे 2,966 करोड़ का निवेश किया लेकिन उनकी 0.85% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। मीरे एसेट लार्ज के अपने यहाँ पे 2,549 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 2.88% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। ICICI प्रूफ ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 0.89% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI इक्विटी हाइब्रिड की यहाँ पे होल्डिंग 1,869 करोड़ की है और उनकी होल्डिंग में आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। कैनरा रोबेको एमर्जिंग की बात करें तो 607 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग 2.25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। कोटक फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट की बात करें तो 1,829 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ने भी 1,781 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 1,708 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग 0.90% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है।
HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 1,614 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो 1,524 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और कोई होल्डिंग में बदलाव नहीं है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया या फिर अनचेंज रखा है, कम करने वाले तो बहुत ही कम है। यानी म्यूचुअल फंड की रडार पे स्टॉक आ चुका है और अब जैसे कि IT सेक्टर दौड़ने को तैयार है तो ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मर है पिछले 2 साल से, तो ये तेज़ी से दौड़ने को तैयार है। अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक 3,000 का टारगेट दिखा सकता है। तो एक अच्छे नए टारगेट के साथ आपको निवेश करना चाहिए। 2 से 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि IT इंडेक्स बिल्कुल नहीं दौड़ा है। 1900 ऑलरेडी 2000 तक पहले जा चुका है, तो 3000 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, यानी आपकी रकम डबल हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।